ओके तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज। हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स है ना, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका अपन क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी अपने पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसके डिटरमिनेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, लेकिन मैट्रिक्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, वो सिंपल एक अरेंजमेंट होता है। ये रहे वाली बात बेटा जी, सबको अच्छे से? यस सर। ओके चलिए भाई, तो लिखिए यहाँ पे एफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एफ ए बी सी, ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू टू, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी इज थ्री एंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ सी इज फाइव, then find the determinant value of a square into b into c inverse। जल्दी से बता दो क्या है, फटाफट। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू गिवन है अपने पास कितना, थ्री। डिटरमिनेंट ऑफ सी क्या लिख सकते हो, सी इनवर्स क्या लिख सकते हो, तो जाएगा a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 into 3 is divided by a, कितना हो जाएगा, c का वैल्यू कितना है 5, that is 12 by 5। क्लियर है बेटा अच्छे से? यस यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लेट द मैट्रिक्स a इज इक्वल्स टू b माइनस 1, b माइनस 1 1 2 b एंड Determinant of a to the power 4 is equals to 16, then find the product of all the possible values of b। Plus minus half. Plus minus half? Really? Plus minus 1 by root 2. क्या आएगा? 1 by? अरे पहले क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ लिया करो कि क्या फाइंड आउट करना है। 1 by root 2. Minus 1 by 2. Minus 1 by 2. चलिए भैया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या आने वाला है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा जी अपना, डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा
टू बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन तो हो जाएगा प्लस वन। यह अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यस सर। और अपने पास गिवन है, ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। यहाँ पे गिवन है अपने पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर फोर इज इक्वल टू 16। सो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द होल पावर फोर इज इक्वल टू 16 को लिख सकते हैं टू टू द पावर फोर। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, प्लस माइनस टू के इक्वल आ जाएगा। माइनस टू नहीं हो सकता, माइनस टू की पावर फोर कितना होता बेटा? ओके चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि 2b स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स हो जाए 2, तो यहां से b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके बेटा जी, 1 बाय 2 के। सो वैल्यू ऑफ b क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो ये b स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी इनटू 2 और उसमें प्लस 1, तो ये कभी भी नेगेटिव बनेगा क्या? यस सर, बेटा। यस सर। लिखिए नेक्स्ट। Next question is, let A is equals to cos alpha sine alpha minus of sine alpha cos alpha and the matrix B is defined as B is equals to A plus 4A square plus 6A cube plus 4A to the power 4 plus A to the power 5. If determinant of B is equals to 1, then find the number of values of, alpha in minus 2 pi to 2 pi. जल्दी से फाइंड आउट कर डालो। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट क्यों निकाला है? क्या करो बेटा? सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट क्यों निकाला है, उसमें तो बी की पॉसिबल वैल्यूज बतानी थी ना बस। बेटा शायद तुमने फिर क्वेश्चन ढंग से लिखा नहीं। Question that, then find the product of all the possible values. Okay. Okay. तो देखिए भी अगर अपन बात करें वन प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर फोर, तो ये क्या हो जाता है, वन प्लस एक्स की पावर वन प्लस एक्स की होल पावर फोर हो जाता है। ठीक है ना, ये कोफिशिएंट देखने से ऑब्जर्व हुआ, ऑब्जर्व किया अपने 1 4 6 4 1। तो अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सोचिए।
क्या है बेटा? तो देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से इस बी की अगर अपन बात करें तो बी में से अगर मैं ए मैट्रिक्स को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या मीनिंग रह जाएगा? यहाँ पे रह जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स हटा रहे हैं अपन यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रह जाएगा प्लस फोर ए प्लस क्या हो जाएगा, ये सिक्स ए स्क्वायर प्लस फोर ए क्यूब प्लस ए फोर। क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो ये जाएगा a टाइम्स, ये बन जाएगा अपने पास आइडेंटिटी प्लस a का होल पावर 4। क्लियर है यहां तक बेटा सबको अच्छे से? यस। ओके, तो देखिए भाई, ये हो जाएगा बेस कॉस्ट टू a, अपने पास क्या गिवन है बेटा जी? cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। हाँ, तो देखिए जरा, ये ऐसा ही तो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ बी की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई प्लस ए टू द पावर फोर का डिटरमिनेंट। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू, अलग अलग कर दे इनका डिटरमिनेंट, आई प्लस ए टू द पावर फोर का डिटरमिनेंट हो गया। अब इसकी ये क्या है, कोई भी एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है उसकी पावर फोर है, उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है अपने पास? वो इक्वल आ जाएगा जो भी अपने पास मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट की पावर फोर के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा सबको अच्छे से? यस सर। ओके, ए का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा भाई? ए की डिटरमिनेंट वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा ये तो बनी हो जाएगा। यस सर। ओके, आई प्लस ए की पावर फोर देखते हैं जरा क्या आता है। हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, आई प्लस ए क्या हो जाएगा भाई, आई प्लस ए क्या हो जाएगा, वन प्लस कोस अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा। या सही से लिखी लो यार, फिर देखोगे कि पता नहीं सर ने ये कैसे लिख दिया। ये हो गया आई प्लस ए, यहाँ पे क्या गिवन है, कोस अल्फा साइन अल्फा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा टू द होल पावर, ये हो जाएगा फोर। ये इक्वल गिवन है किसके बेटा, वन के इक्वल गिवन है। क्लियर है बेटा जी यहां तक सबको अच्छे से? यस सर। ओके, तो देखिए भैया ये किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, जल्दी से बता दो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है। देख लीजिए यहां से मैं बता देता हूँ, ये वन प्लस कॉस अल्फा होगा और यहाँ पे ये वन प्लस कॉस अल्फा होगा, ये वन प्लस कॉस अल्फा, वन प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस क्या, यस सर, साइन स्क्वायर अल्फा टू द होल पावर 4 इक्वल आ जाएगा इसके 1 के। यहां तक क्लियर है बेटा जी? यस सर। यस सर। ओके, अब देखिए जरा इसको ओपन करें भैया, तो देखिए ये क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस, यहाँ से आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, वो भी कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, टू कॉस अल्फा।
कि ऑल पावर फोर इक्वल हो गया किसके, वन के, क्लियर है वाली बात बेटा जी। तो यहाँ से हो जाएगा टू प्लस टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन हो जाएगा बेटा। यस सर। ओके तो देखिए जरा यहाँ से क्या आ रहा है भैया, ये हो जाएगा टू कॉस अल्फा या फिर प्लस माइनस अलग अलग कंसिडर कर लो यहाँ पे, तो हो जाएगा टू प्लस टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन एंड हो जाएगा टू प्लस टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ से कॉस अल्फा किसके इक्वल आया बेटा, माइनस वन बाय टू के, और यहाँ से कॉस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, माइनस थ्री बाय टू। ओके तो कॉस और कॉस का ग्राफ बना लेते हैं अपन सीधा सीधा कॉस अल्फा का। ये हो जाएगा माइनस ऑफ टू पाई, ये हो जाएगा पाई, ये हो गया जीरो, ये पाई और ये टू पाई। यहाँ कहीं क्या होगा बेटा, सॉरी यहाँ कहीं पे क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय टू हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे माइनस वन, माइनस थ्री बाय टू कहाँ पे होगा भाई, कॉस अल्फा माइनस थ्री बाय टू कहाँ पे होगा, वन से आगे होगा, माइनस वन से आगे होगा और माइनस हाफ और माइनस वन के बीच में। हाँ तो कहाँ पे बनाऊ मैं, यहाँ पे बना दूंगा इसको, यहाँ की हो जाएगा। यस नहीं ओके तो इसके बता दो कि ये कॉस ऑफ माइनस थ्री बाय टू के कितने सॉल्यूशंस आएंगे, कितनी बार कट कर जाएगा ऐसे करोगे तो, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। चलो no. ये भी अच्छा है। ओके अरे कॉस अल्फा का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, माइनस वन हो सकता है, ये तो माइनस वन पॉइंट फाइव है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। ओके ये माइनस वन बाय टू है, माइनस वन बाय टू पे देखो माइनस वन बाय टू कितनी बार मिलेगा, वन टू थ्री एंड फोर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा जी वाली बात अच्छे से। यस सर। ओके ओके नोट डाउन ये, नो सर वेट सर। Done, sir. Wait. सीमेंट प्लस पैरोमीटर। ओके
उसके बाद हेडिंग डालिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में लिखिए लेट ए आई जे एन क्रॉस एन बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स is the transpose matrix of cofactor matrix of A. That means and is denoted by adjoint of A. और या फिर कैपिटल से भी लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ, इस टाइप से लिखा जा सकता है। ओके ये हुआ का बेटा अच्छे से। यस यस सर। ओके तो देखिए भी जो भी अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए है वो क्या हो जाएगा, Cij, Cij किसको डिनोट कर रहा है, कोफैक्टर मैट्रिक्स को, और उसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, वेयर Cij जो है वो क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, सॉरी कोफैक्टर ऑफ Aij। क्लियर है वाली बात अच्छे से बेटा। क्या बात है बेटा उज्ज्वल, आज बहुत जल्दी आ गए। ओके बेटा चलो कोई बात नहीं। डन सर। क्या भैया? यस सर। ओके तो चलिए भाई कोफैक्टर फाइंड आउट करना याद है क्या तुम्हें, डिटरमिनेंट में जो फाइंड आउट किया था? यस सर, माइनस वन पावर आई इनटू जे और फिर उसके आई इनटू जे माइनस सर। ओके ए अपने पास गिवन है मान लो 2 4 3 5 है ना, ये 2 4 3 5 गिवन है, तो इसका कोफैक्टर ऑफ ए अगर फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगा जल्दी से बता दो भैया। कोफैक्टर ऑफ ए अगर फाइंड आउट करोगे तो देखिए पहले ये 1 1 फाइंड आउट करना है, तो 1 1 फाइंड आउट करने के लिए ये और ये रिमूव हो जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास 5 आ जाएगा ओनली।
अरे बेटा जी सी आई जे क्या होता है अपना माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे प्लस आई जे माइनर आई जे माइनर आई जे ओके तो ये वो अपना वन वन ये वो वन टू ये वो टू वन और ये वो टू टू तो उसके अकॉर्डिंग फिर नेगेटिव कौन से हो जाएंगे ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे Yes, sir. ये वाला एलिमेंट दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो देखिए फोर फोर लेना है अपने को तो ये वाली रो और ये रिमूव हो जाएगा तो ये जाएगा थ्री तो ये जाएगा माइनस थ्री ओके नेक्स्ट इसका फाइंड आउट करोगे तो ये जाएगा फोर माइनस फोर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा भाई टू अरे कोफैक्टर फाइंड आउट किया पता चला ना yes, sir. कोई ऐसा प्राणी तो नहीं है जिसको पता नहीं चला ओके अब देखिए भाई इसका अपन ले रहे हैं ट्रांसपोज तो जैसे ही ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो जाएगा भाई फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस फोर टू तो वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए तो क्या हो जाएगा भाई इसका ट्रांसपोज देखिए जरा फाइव माइनस थ्री माइनस फोर और टू का ट्रांसपोज लेना है तो क्या हो जाएगा फाइव फाइव माइनस फोर माइनस थ्री टू माइनस थ्री टू ये आ जाएगा क्लियर हुआ क्या अच्छे से बेटा जी यस सर ओके जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा डन सर ओके तो इसका मतलब अपने को एक कहानी पता चली इसमें वो कहानी ये है कि वो कहानी काफी इंटरेस्टिंग है कि उस कहानी के अंदर जो पात्र है वो कुछ इस टाइप से इंपॉर्टेंट में लिख लेना इसको फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू बाय टू टू बाई टू कंडीशन कुछ इस टाइप से बन जाएगी जैसे ए दे रखा है अपने पास पी क्यू आर और एस दे रखा है ओके देन एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा ये दोनों आपस में हो जाएंगे इंटरचेंज देखिए यहां पे क्या था टू था और यहां फाइव था तो यहां पे क्या हो गया यहां पे टू हो गया और यहां पे फाइव हो गया मतलब ये हो जाएगा एस और पी ये दोनों एलिमेंट एज इट इज रहेंगे लेकिन क्या हो जाएंगे अपोजिट साइन ये हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू और ये हो जाएगा माइनस ऑफ आर क्लियर है वाली बात बेटा जी अच्छे से बेटा आया क्या समझ में अच्छे से यस सर ऐसा क्यों दिखाई देने लग गया अभी राइट कम है इस वजह से साफ दिखाई दे रहा है क्या तुम लोगों को सर थोड़ा ब्लरिश है थोड़ा यस सर ब्लर है अच्छा 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 अब कुछ ठीक हुआ यस सर सर थोड़ा कैमरा साफ कर लो बेटा कैमरा साफ करने से नहीं हो पाएगा ना लाइट नहीं है एक्चुअली आंधी आई थी अभी भी बहुत शानदार वाली चलिए बैठा दें सर आप सामने आ जाओ सर सर आप सामने आ जाओ आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा ग्लो है चलिए उससे क्लियर दिखेगा ओके नोट डाउन ये अरे बेटा यस मैं तो शर्मा आ गया चलिए हटा दे बेटा ये यस सर नीचे बेटा बजा रहा मुन्ना बदनाम हुआ बताइए अभी से चलिए भाई लिखिए क्वेश्चन लेट ए इज इक्वल्स टू 102
110 और 013. Then find adjoint of it. इसमें कुछ ऐसे सीधे प्लस माइनस मत कर देना जो अभी भी लिखवाया था, वो 2/2 के लिए ओनली, ठीक है ना? पता चला अपना ज्ञान लगा दो. मतलब आजकल सिस्टम देखो कैसा चल रहा है कि छोटे बच्चे जो है बिल्कुल एकदम छोटे बच्चों के भी खिलौनों के अंदर जो गाने आ रहे हैं, देखो तो मुन्ना बदनाम हुआ अभी से, मतलब कहां पे जाएगा बताने सिस्टम. सर आगे सर फिर स्कूल्स और में सब प्रेयर की जगह पे सर यही कराएंगे सर, है ना? जल्दी से फाइंड आउट कर डालो और एकदम सटीक फाइंड आउट करना, क्योंकि तुम लोग मुझे पता है कैलकुलेशन मिस्टेक तो करोगे ही करोगे, लेकिन वो करनी नहीं है. क्लास अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो फिर से रिज्वाइन नहीं करना है. ओके ओके सर. और इस वाली क्लास का जो टाइम है इसको थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि बाय चांस लाइट हमेशा धोखा देती है. हमारी 3-4 क्लास होती है क्या? नो सर. आपने सर उस वाली का टाइम दिया हुआ 3-4, उसका टाइम और चेंज कर देंगे यार. अभी ऐसे परेशान होने का कोई मतलब नहीं है. सर एमपी सर कह रहे थे कि छुट्टियां दे सकते हैं 1 हफ्ते की और उसके बाद ऑफलाइन खोल देंगे. क्या कह रहे हो बेटा? एमपी सर कह रहे थे कि छुट्टी